जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आपके अंदर जो सवाल हैं, ठीक है, पेट को लेकर के उनको सबको हम क्या करने वाले हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, संपूर्ण तरीके से उनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में देख आपको बता दें हम इसके बारे में क्या देखने वाले हैं। तो आपको बताते हैं जो दोस्तों पेट के एग्जाम है, ठीक, तो पेट के बारे में हम देखने वाले हैं कि ये जो है क्या है, ठीक है, पीईटी है क्या, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम देखें, किन किन परीक्षाओं में पीईटी का होना जरूरी है, मतलब कि अगर आप पेट पास कर लेते तो कौन कौन सी परीक्षाएं दे पाएंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे, पूरा सिलेबस बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले बता दें दोस्तों, ये है दोस्तों UP SSSC का लोगो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का भी लोगो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये है UP SSSC का लोगो। अब UP SSSC का होता है उसके बारे में बात करें। देखिए आपके सवाल क्या क्या है, पहली चीज UP SSSC क्या है, ठीक है, UP SSSC, क्योंकि आपने देखा होगा कि UP SSSC पेट एग्जाम लिखा होता, तो UP SSSC क्या है, फिर उसके बाद पेट क्या है दोस्तों, और पेट हमें देना क्यों पड़ रहा है, कितनी परीक्षाओं के एग्जाम अगर हम पेट पास कर लेते हैं तो हम दे पाएंगे, और पेट का सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग क्या है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हर एक चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, इन सभी सवालों का हम जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते तो आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये हमारी क्या है, गारंटी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि UP SSSC क्या है, क्या है UP SSSC दोस्तों, अगर हम बात करें UP SSSC तो इसका पूरा नाम क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। क्या नाम है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोस्तों, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, एक सिलेक्शन कमीशन है, ये आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी है जो चीजें क्या करती है, सेलेक्ट करती है, ठीक है, एग्जाम करवाती है, सेलेक्ट करती है बच्चों को, ठीक है। अब इसके सीईओ की बात करते हैं तो श्री संतोष कुमार है दोस्तों वर्तमान में। देखिए इसका काम क्या है, अब हम बात करेंगे UP SSSC का काम क्या है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्रुप बी व ग्रुप सी की पदों की परीक्षा आयोजित कराता है या फिर करता है दोस्तों, कौन कौन सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी दो पदों की क्या करता है दोस्तों, परीक्षाओं का आयोजित करता है, और इनके अंतर्गत बहुत सारी परीक्षाएं थी जिसमें से दोस्तों ग्रुप सी की पदों के लिए दोस्तों UP SSSC पिट का आयोजन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे यूपी जो ये है दोस्तों, देखिए UP SSSC आप समझ सकते हो दोस्तों एक कंपनी टाइप की है जो परीक्षाओं को करवाती है, ठीक है, जो परीक्षाएं करवाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे आपको पता होगा UPPRBP क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो उसी प्रकार से UP SSSC क्या है, इस तरह समझ सकते हैं। अब देखिए पेट क्या होता है, समझिए पेट के बारे में, ये बहुत चर्चित है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए आप थोड़ा समझिएगा, देखिए आप जैसे टेट का पेपर देते थे, है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ना, टेट का देते थे, टेट पास करने के बाद ही आप सुपर टेट दे पाते थे जो कि आप टीचर बनने के लायक हो जाते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये टेट हो गए एक हिसाब से प्रारंभिक परीक्षा, और ये दोस्तों हो गई मुख्य परीक्षा। तो उसी प्रकार से दोस्तों द्विस्तरीय परीक्षा करने के लिए UP SSSC ने सोचा कि हम एक पहला पेपर आयोजित करते हैं जिसको हम प्री कह सकते हैं, प्री पेपर, प्री और मेंस, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने नाम सुना, जैसे पहले पुलिस में भी दो पेपर होते थे उसको हटा दिया गया, अब एक ही पेपर कर दिया गया, पहले भी प्री और मेंस होते थे, अगर आपने देखा होगा मुलायम सिंह की सरकार के समय जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से टेट पहले पास करना होता है और फिर उसके बाद आप सुपर टेट दे पाते हैं, अगर पास नहीं होते तो नहीं दे पाते, उसी प्रकार से दोस्तों पहले पेट पास करना होगा, फिर इसके बाद जो UP SSSC के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती हैं जिनके बारे में बताएंगे कितनी परीक्षाएं हैं, तभी आप वो परीक्षाएं दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। अब देखिए पेट का पूरा नाम क्या है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दोस्तों, ठीक है, क्या है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पेट का काम क्या है, देखिए पीटी क्या है दोस्तों, पेट एक प्रकार का प्रारंभिक परीक्षा है जिसके आधार पर उम्मीदवारों को विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। देखिए उसी तरह से जैसे आप टेट का पेपर देते थे, देखिए टेट का पेपर देने के बाद केवल और केवल आप सुपर टेट ही दे पाते थे, मगर ऐसा नहीं है, पेट का आप देते बहुत सारी परीक्षाएं आप दे पाएंगे जिनके बारे में पूरी हम लिस्ट अभी नीचे हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, पेट क्या करते हैं, आप पास करते हैं एक हिसाब से, क्या है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपको मेन एग्जाम देने को मिलेगा, जैसे आप समझ लीजिएगा मान लिया लेखपाल की वैकेंसी है, तभी आप लेखपाल दे पाएंगे अगर आप पेट को क्लियर करते हैं। इसीलिए पेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या, पेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इसको क्लियर करना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों ये एक हिसाब से क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद दोस्तों मुख्य परीक्षाएं होंगी। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए पेट जरूरी है, ठीक है, देखिए पेट कितनी परीक्षाओं के लिए जरूरी है ये आपको समझना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको पेट परीक्षा देना, ठीक है, समझिएगा।
अब देखिए पेट निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए मान्य होगा दोस्तों, अगर आप पेट निकाल लेते हैं दोस्तों तो ये आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं उनके बारे में बताते हैं, तो वो पेपर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। पहला दोस्तों राजस्व लेखपाल, दोस्तों क्या लेखपाल की परीक्षा जो कि आने ही वाली है दोस्तों, आपको बता दें कि ये परीक्षाएं जस्ट आने ही वाली हैं, इसलिए भैया इसके लिए आप मेहनत कर लीजिए, आप लेखपाल बन जाएंगे अगर पेट को निकाल लिए अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आपको लेखपाल बनने से रोक नहीं सकता कोई, ठीक है, मतलब मेहनत करेंगे तो नहीं रोके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दूसरा परीक्षा जो होता है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी का, क्या है ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको वीडियो बोलते हैं, ये परीक्षाएं अभी निरस्त कर दी गई हैं दोस्तों, आपको पता भी होगा चर्चित हैं। अब ये परीक्षाएं मतलब इसके जो फॉर्म आएंगे दोस्तों अब आगे आएंगे तब आपको पेट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वीडियो के लिए भी आपको पेट की आवश्यकता पड़ेगी ग्राम विकास अधिकारी के लिए, नहीं ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। अब समझिए अगला कनिष्ठ सहायक अधिकारी दोस्तों, कनिष्ठ सहायक अधिकारी जैसे कि उसमें जूनियर असिस्टेंट आता है, जैसे कि अभी आपको पता है कि इसके टाइपिंग लगे हुए हैं दोस्तों 23 जुलाई से, ठीक है, 23 से दोस्तों 23 जून से इसके टाइपिंग भी लगे हैं, तो ये भी अब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब इसके लिए भी आपको पेट निकालना होगा। और आपको पता जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती ही रहती है दोस्तों, ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपको पेट क्लियर करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी भी वैकेंसी आई थी दोस्तों, इसकी भी 21 तारीख से टाइपिंग लगी हुई है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी दोस्तों आपको ये निकालना पड़ेगा, पेट की तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आप निकालते तभी आप दे पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आबकारी सिपाही, दोस्तों इसको छापामार सिपाही बोलते हैं, ठीक है, इसकी भी वैकेंसी आपको पता बहुत समय पहले आई थी, अभी भी इसका क्लियर नहीं हुआ, अभी भी इसका प्रोसेस चल ही रहा है, रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, फिजिकल के लिए अभी शायद इसको मतलब चल ही रहा है, इसका अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, तो इसकी भी वैकेंसी आएंगी दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको पेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप समझते रहिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों वन रक्षक, अभी पता है आपको कि वन रक्षक के पेपर होने वाले थे, हुए नहीं है, कैंसिल कर दिए गए थे, मतलब उनकी डेट बढ़ा दी गई, अभी कब होंगे दोस्तों इसका कोई क्लियर डेट अभी पता ही चला, मगर होने ही वाले दोस्तों ये भी जान लीजिएगा। तो आगे से जो आएंगे, देखिए अब जो आगे से वैकेंसी आएंगी उनके लिए दोस्तों आपको पेट क्लियर करना होगा, वन रक्षक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। उसके बाद दोस्तों अमीन की वैकेंसी आती थी, अमीन बहुत दिन से नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी स्टेनोग्राफर आती दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के, उसके लिए नलकूप चालक दोस्तों आपको पता होगा है ना, बोरिंग ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक, तो वो चीजें नलकूप चालक दोस्तों वो उसकी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पेट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा वाहन चालक दोस्तों, वाहन चालक ड्राइवर की आती हैं, गन्ना पर्यवेक्षक दोस्तों, गन्ना पर्यवेक्षक दोस्तों इसके लिए भी आपको निकालना पड़ेगा। और दोस्तों बता दें सहायक बोरिंग टेक्नीशियन दोस्तों इसके लिए, युवा विकास दल दोस्तों, युवा विकास दल अधिकारी दोस्तों इसकी अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम पास करना होगा, लोअर पीसीएस होगा दोस्तों, लेखा परीक्षक हो गया, और बाल विकास पुष्टाहार माध्यमिक शिक्षा, इस तरह की दोस्तों और भी वैकेंसियां हैं जिनके लिए आपको पेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिनमें से आपको बता दोस्तों लेखपाल तो एकदम चरम सीमा पे है, इसकी वैकेंसी जस्ट इसके बाद, यानी जैसे हमारा पेट का कंप्लीट होता दोस्तों उसके तुरंत बाद दोस्तों ये लेखपाल की वैकेंसी आ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 2022 में इलेक्शन भी, ठीक है, तो ये चीज आप देख चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका पेट का सिलेबस क्या है, आप पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, तो आपको बता दें आप हमारे चैनल से बने रहिएगा दोस्तों, हम अपने चैनल पर भी इसका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसका मेन फोकस किस पे होगा, जीएस पे होता है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे पेट के सिलेबस में, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का। समय कितना होगा 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का समय होगा। अगर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की दोस्तों, तो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 0.25%, यानी कि 0.25%, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका सिलेबस दिखा दें, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो दोस्तों सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसकी सिलेबस की पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, GAYAN है ना, और आरबीएल ऑफिशियल लिख देना दोस्तों, हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम इसको ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या सिलेबस में कितने क्वेश्चन होंगे, हमने बता दिया 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे की अवधि होगी, और 1/4 क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी। अब बता दें आपको इतिहास से दोस्तों, इतिहास के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक, ये इसका इतिहास का सिलेबस है, 5 क्वेश्चन इतिहास के। फिर दूसरा टॉपिक क्या होगा दोस्तों,
जो आंदोलन है राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों 5 क्वेश्चन उससे होंगे, ठीक है। उसके बाद भूगोल से 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्या भूगोल से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के बाद दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से दोस्तों यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान दोस्तों साइंस से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें भौतिक रसायन और जीव विज्ञान से होंगे, और 5 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, और उसी प्रकार से दोस्तों 5 क्वेश्चन किसके होंगे दोस्तों, हिंदी के होंगे। हिंदी में दोस्तों संधि विलोम शब्द पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियां और सामान्य अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं दोस्तों, ये होगा आपका हिंदी का सिलेबस जिससे 5 क्वेश्चन आपके आने हैं। फिर 5 क्वेश्चन आपके सामान्य अंग्रेजी से होंगे, उसके बाद 5 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे दोस्तों, और दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, करंट अफेयर समसामयिक के, समसामयिकी के दोस्तों, ठीक है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे भारतीय एवं वैश्विक आधार पर। और आपको बता दें कि सामान्य जागरूकता के दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गए, भारत संसद, है ना, तो ये सब चीजें आ जाएंगी दोस्तों, इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन दोस्तों एक पैराग्राफ होगा, जिससे आपको क्वेश्चन छांट के करने होंगे। 2 गद्यांश आएंगे दोस्तों जिसकी 5-5 नंबर के यानी 10 क्वेश्चन उससे आएंगे, 10 नंबर के उससे आएंगे, और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण दोस्तों 10 नंबर के होंगे, 2 आएंगे ग्राफ, और 2 ही तालिकाएं आएंगी दोस्तों 5-5 नंबर के यानी 10 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस दोस्तों 100 क्वेश्चन, और दोस्तों ये साफ साफ दिखाया कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग भी आपकी निश्चित है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए हिंदी महत्वपूर्ण, दोस्तों हमारी ये ई बुकें हैं, अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हमारी 3 ई बुकें हैं जिसमें हमने कंप्लीट हिंदी करने की कोशिश की है। देखिए पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, ठीक, इनका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, एक बार वीडियो देख लीजिएगा खरीदने से पहले कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी कीमत कितनी है, 50 रुपये। देखिए PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, अगर आप 50 रुपये में पेंट सेंड कर देते हैं, ठीक है। और 25 रुपये में दोस्तों हिंदी भाषा और उनकी बोलियों का इतिहास है पूरा, संपूर्ण चीज़ें हैं, ये 25 रुपये की है दोस्तों। और एक ये है हिंदी की दोस्तों, ठीक है, हिंदी की, जिसमें आपको दोस्तों वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचन, अलंकार एवं रचनाएं, ये सभी शामिल होंगी। इसकी कीमत कितनी है, 50 रुपये दोस्तों। अगर तीनों बुक आप लेते हैं तो 175 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। इस नंबर पर हमारे आप पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फोन पे कर करके दोस्तों इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और ये PDF पा सकते हैं। जो भी आपको चाहिए दोस्तों, एक चाहिए 50 आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप चाहिए आप कर सकते हैं दोस्तों। और इन सब की दोस्तों PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारी PDF पहले से मिल जाएंगी पड़ी हुई, और भी नई नई PDF आपको मिलती रहेंगी पढ़ाई से युक्त। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।